क्लॉट्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉट्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉट्स शूज एंड बैग्स। गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। धर्म परिवर्तन का सिलसिला लगातार जारी है। पूजा पाठ में शामिल गले में माला पहने ये मुस्लिम धर्म के 5 परिवार के 26 सदस्य हैं, जो अब मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में शामिल हो रहे हैं। और पूरे विधि विधान के साथ आरिफ से सिद्धार्थ तो नाजमा से सोनिया बन गई हैं। दरअसल ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर के बघरा ब्लॉक का है, जहां योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने मुस्लिम धर्म के 5 परिवारों को हिंदू धर्म में शामिल किया है। धर्म परिवर्तन के बाद आरिफ से सिद्धार्थ बने व्यक्ति ने बताया कि करीब 15 साल पहले वो हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में चले आए थे, मगर अब एक बार फिर वो मुस्लिम धर्म छोड़कर और हिंदू धर्म में शामिल हो रहे हैं। हमें अपने स्नातक धर्म में वापसी के लिए बड़ी खुशी है और स्नातक धर्म में वापसी के लिए ही आए सर। 15-16 साल पहले हमें बहला फुसला कर सर या किसी भी के हमारे बड़े बूढ़ों ने और धर्म चेंज कर दिया था सर, पर हमें ये हम अपनी मर्जी से 15-16 साल के बाद अब अपने स्नातक धर्म में वापसी आने की अपनी मर्जी से आ गए हैं सर। अपने धर्म में आके सर बड़ी खुशी महसूस हुई और अच्छा लगा सर, इसलिए वापसी अपने धर्म में ही आ गए हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं सर, किसी की कोई भी किस चीज़ से हमें अपने धर्म से मोहब्बत प्यार, इसी वजह से हम अपने धर्म में वापसी आए सर। नाजमा आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम सोनिया। सोनिया रख लिया। अच्छा, आज आपने यहाँ पर दीक्षा ली है? हाँ, दोबारा बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छाई नजर आ? अपने 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 उसमें आ गए, धर्म में आ गए तो बहुत अच्छा लगा हमें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अपने मर्जी से आए। मंत्रों के साथ में? मंत्रों के साथ में। जनेऊ भी धारण किया है, माला भी पहनी है, सबके साथ में। ये कुछ वर्ष पूर्व हिंदू थे और दबाव में, लालच में ये हिंदू से मुसलमान बन गए, और ये सारा जो मामला चला है समाजवादी पार्टी के शासन में चला है, उसमें बहुत बिल्कुल ये मान करके चलिए कि जितना औरंगजेब भी नहीं कर पाया था धर्म परिवर्तन, इस पार्टी के अंतर्गत हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ तो इन्होंने वहाँ रह करके घुटन महसूस की और फिर इनका मन बना कि हम पुनः हिंदू धर्म में आए, तो आज ये लोग संख्या में 26 हैं, जिनमें पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। इन्होंने हवन के माध्यम से आहुति दे करके घी सामग्री की, हलवे की, अपने को इस्लाम मजहब से हिंदू धर्म में दीक्षित करा लिया।